हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। सो आज हम जा रहे हैं मौसंदम का ट्रिप और हम हो गए हैं लेट 7:45 को। हमको वहाँ पे चेक मतलब उनको वहाँ पे मतलब पहुँचना है, चेक इन करना है, मतलब एक तरीके से आप यही समझ लो। मतलब हमारे को अभी बस पिकअप करेगी, तो अभी मैं साकिब को लेने जा रहा हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मेरे को 45 मिनट्स, अभी साकिब अगर यहाँ से 15 मिनट दूर है तो 7:15 पे मैं उसको वहाँ पे उठाऊँगा वापस, उसको वहाँ से लेके आके 7:30 7:40 और उसके बाद 10 मिनट और पकड़ लूँ। बस 7:45 बजे हम फिक्स पहुँचेंगे। अब पता नहीं हम लेट चल रहे हैं, फिक्स सही टाइम पे चल रहे हैं, डोंट नो, तो वो देखते हैं। मेरे हिसाब से हम लेट चल रहे हैं। सो अभी पिक करेंगे साकिब को, हम जा रहे हैं मौसंदम। मौसंदम एक बहुत प्यारी जगह है ओमान में, मतलब एक ओमान का एक छोटा सा पार्ट यूएई के कॉर्नर में आता है, रासल खेमा के एंड में कसब करके उस साइड है, तो उधर है। बहुत प्यारी जगह है, आपको एक क्रूज लेके जाता है जो पानी के बीचों बीच लेके जाएगा। सो हम उधर जा रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको क्या चीज़ है वो मौसंदम, क्या जगह है। मैं भी पहली बार विजिट कर रहा हूँ, मैंने बहुत उसकी तारीफ सुनी है। सो चले। सो अभी हम साकिब के घर पहुँच गए हैं और उसका वेट कर रहे हैं हम। देखो हालत देखो हमारी, मतलब ऐसे पहले से लेट चल रहा है। एक तो ये बंदा है ना, कभी ऑन टाइम कभी नहीं आएगा, मतलब एक तो पहले से लेट चल रहे हैं, ऊपर से इसको पहले ही 15-20 मिनट पहले घर से निकला था, तभी फ़ोन कर दिया था कि हम आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, रेडी रहे। अभी तक घर के बाहर तक नहीं खड़ा। ये देखो ये इसका घर है और आसपास खड़ा भी नहीं है ये। 15 मिनट पहले फ़ोन कर दिया इसको कि हम आ रहे हैं, कि रेडी हो जा, अभी तक खड़ा भी नहीं है ये बंदा। अभी 7:30 बज रहे हैं और उधर हमको 7:45 तक पहुंचना है, नहीं तो 7:50 तक बस निकल जाएगी। अभी 7:30 बज रहे हैं, यहाँ से कम 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट पहुंचने में, और ये बंदा अभी तक नहीं है। अभी कॉल किया है उसको, बोलता 2 मिनट और। भाई कितना 2 मिनट लेगा ये, अब आया देखो, ये अब आया है, मतलब पहले से ही बंदा लेट चल रहा है ऊपर से। भाई हमारी बस खड़ी है, ये लोग वेट कर रहे थे हमारा, हम तो नाश्ता लेने गए थे, तो बस अब हमारी जाने की तैयारी है, बस भी रेडी है, टाइम भी हो चुका है, बस हम निकलेंगे। यहाँ हमारे चार्जर, ओके थैंक यू। जी हमने बस में चेक इन कर, बस में बैठ गए हैं हम, बैठे थे 8 बजे। हमने पराठे लिए हैं झाके, पहले आलू के पराठे लिए हैं हमने, चिप्से लिए, फिर हम आए, हम सबसे एंड में आए, मतलब बस वालों को हमने वेट कराया, हमारी इंपॉर्टेंस याद रही है। क्या कर सकते इस बंदे के कारण, एक्चुअली नाश्ता हम लोग ने किया नहीं और आपको इन पर भरोसा नहीं। एक्चुअली मुझे भरोसा है इस पर नहीं है। चुका हूं। मेरे पास इन लोग का मैसेज है पूरा, आपका शेड्यूल है, वही डिब्बा वाला रूट है जो उसने कल परसों आपको वीडियो में दिखा दिया, तो क्या ही दिखा था। अभी हम आ गए हैं पोर्ट पे, हमारी एक इनमें से कोई एक शिप है और बोट है मतलब, और ये मच्छी पकड़ने के जाल लगा रखे हैं अभी इन्होंने, और ये हमारे साथ टूर वाले, ये साकिब हमारे वीडियो बनाते हुए, अभी देखते हैं क्या सीन है आगे। नाव है, छोटी छोटी नाव होती है, क्रूज जैसी, क्रूज टाइप की होती है, जिनमें बैठ के हम थोड़ा बीच में जाएंगे पानी के उधर, और आगे जाएंगे हम उधर, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। इधर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा डेवलप हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा, देखते हैं अभी कैसा है आगे की ट्रिप, हम बताते हैं। हम आ गए हैं ओमान और पीछे अब मौसम देख सकते हो क्या खतरनाक वाला हो रखा है, और हमारे साकिब अभी हम बोट्स में जा रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ व्यू। अब कौन सी वाली, इसने बोला एक ही येलो कलर की बोट है, हमको अभी तक एक येलो कलर की बोट दिखी भी नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रही है आपको येलो कलर की बोट, नहीं दिख नहीं रही मेरे को, वो ब्राउन है साले। अब कौन सी बोट है वो आपको अभी तक नहीं दिख रही, ये देखो बोट पे आ गए हैं और मौसम देखो पीछे क्या शानदार हो रहा है, साकिब को पीछे देखो, साकिब पूरा यार स्टंट वाली फेरी भाई, मौसम देखो अब क्या तगड़ा वाला हो रहा है। ये लेकर जा रहा हूँ हमारे लिए, हम लोग को बिठाएगा इसके अंदर, इसके नीचे ये भैया यहाँ से चलाएंगे, हम ही चला लेंगे भैया, क्या चलाएंगे ये, यहाँ पे सारी बोट्स वगैरह है, इनमें सब लोग भर भर के जाते हैं बकरे बकरों की तरह। यहाँ पे पुलिस का भी है, एक अच्छी सी शिप है पुलिस की, ये बनाना और ये है बनाना बोट, ये लेकर जा रहा है हमारे लिए, हम लोग को बिठाएगा इसके अंदर, तो और ये हमारी, ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, इसके नीचे एक और फ्लोर भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे।
ये सब लोग आए हैं और नीचे भी बहुत से लोग हैं। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, बस हम निकलेंगे कुछ ही देर में, 5-10 मिनट में, फिर आपका आगे का बताएंगे। हमने ले लिए हैं हमारी जगह, यहाँ पे मजलिस बना लिया है, यहाँ पे हमारे बैठे हैं साकिब भैया और पीछे बोटे ही बोटे खड़ी है। बस चल रहे हैं, एक हमने फर्स्ट फ्लोर पे ली है, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है इस पर, 2 मंजिल की बोटे, नहीं सॉरी 1 मंजिल चलेंगी अभी, पता नहीं कब कितनी बजे चलेंगे वो पता नहीं, देखते हैं कुछ खाने का है, देखते हैं कुछ खाने का। अभी हवा तेज चल रही है, लोग हवा तेज चल रही है, पूरी बोट पूरी हिल रही है, ऊपर देखो आगे देखो सीधे देखो इससे पीछे से देखो कैसे हिल रही है बोट, इसको देखो देखिए साकिब आपको चल के दिखाएगा बोट पे, सीधा सीधा साकिब सीधा साकिब सीधा कैट वर्क ओके शायद ही आवाज आएगी गाइस, अभी लंच टाइम हुआ है, अभी हमने स्विमिंग विमिंग की इसके अंदर पानी के अंदर, और साकिब लंच के साकिब है अभी लंच कर रहा है, देखो क्या क्या है साकिब, चिकन है, दाल चावल है, खबूस है, चाउमीन है और बिरयानी है और साकिब है और कोल्ड ड्रिंक्स दी है इसने हमको, ठीक है खाना, ठीक है खाने को रेट करो, खाना अच्छा है ठीक है है ना। बाकी हमने स्नोकलिंग की, कयाकिंग की, सो अभी हमने स्नोकलिंग तो नहीं की, मतलब लायक ही नहीं, कयाकिंग की, स्विमिंग की बस, और स्पीड बोट में इधर उधर घुमा के लेके आ गए, एक दो भी लाते और फ़ोन पानी में थे तो फ़ोन लेके जाने का रिस्क लग रहा था, इसलिए लेके नहीं गए, इसलिए बाकी आपको भी दिखा, कयाकिंग कर रहे हैं ना वो वाली कयाकिंग बोटिंग टाइप बोकिंग, और ये स्पीड बोट में ये भैया घुमा के लेके आए हमको, और ये से वो स्पीड बोट है और बनाना बोटिंग भी, बनाना राइड भी, तो ये बनाना राइडिंग भी थी यहाँ पे और ये शिफ्ट थी। अभी हम चल रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे वाले जो है उनको मोशन सिकनेस बहुत हो रहा है, इसलिए ये अभी चल रही है। अभी केव देखने के लिए जाना था तो केव देखने लेके नहीं जा रहे ये साले, क्योंकि मोशन सिकनेस हो रहे हैं नीचे लोगों को, 90% लोगों को, इसलिए ये चल रही है भाई, ठीक था, मतलब एवरेज था, स्नोकलिंग नहीं कर पाए क्योंकि वो किट अच्छी नहीं थी और अंदर मछलियाँ भी नहीं दिख रही थी हमको, तो कुछ ओमान का फ्लैग है
अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी जो खाया है अगर कुछ किया तो फिर निकल जाना है। इस सुबह मतलब निकाल दिया था हमने आलू के पराठे इस दे भी आलू के पराठे निकले और मेरा मैंने हालांकि मेरे को होती नहीं है लेकिन फिर भी होती नहीं है वो देख के लग नहीं रहा था तो फिर क्या कर सकते हैं लेकिन अब निकाल दी हमने बंदी को भी फोड़ नहीं वो क्या एक्चुअली क्या हमको पेट खाली करना था कल के बाद इतनी सी है पता ना। हाँ अरे फ्रेंड्स के हो गया हम निकल चुके हैं। अरे केव ले चलो यार ये लेकिन हमको केव लेकर नहीं जा रहे हैं क्या कर सकते हैं। इनको हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की लेकिन ये बोल रहे हैं कि वेव ज़्यादा है इस वजह से केव में नहीं जा पाएंगे। तो साकी भैया और बढ़ देंगे नहीं और हाँ अभी हमने खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं नहीं तो फिर हम मैं अपनी बोटी सबसे पहले चली देंगे सारी बोटें खड़ी तो क्या हमने तो निकाल लेंगे वहाँ पर जैसे सुबह हम लोगों ने निकाला जो आपने आलू के पराठे खाए थे मैंने तो कुछ नहीं किया तुमने क्या किया वो तुमको पता जो मैंने तो किया ना मैंने तो आलू के पराठे खाए थे और वो मैंने वापस नहीं खाया Bro, brother, don't vomit. अभी जो गाना लगाया है ना उल रहा है तो वो पूरी उल्टी वाली खेल ले रहा है। तो चल रहे बस हालत बहुत खराब है। पहुंच गए पोर्ट पे ये रहा फाइनली ट्रिप एंड पे होने पे आई है मस्सा पहुंच गए पोर्ट पे कलास नाका देखे कैसे ये भाई को देखो ये भाई ने हमारे को मस्त राइड करा है स्पीड बोट में नेक्स्ट टाइम और आएगा वहाँ ना? नाम क्या है अस्मत अली ये यूट्यूब पे देखना तुम देखेगा ये यूट्यूब पे आएगा ये देखो ऐसे बोट है और पोर्ट पे ऐसे चलना पड़ेगा इसको उछल उछल छलांग मार मार के और सारी बोटें आ गई अभी यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जाने का उछल के जाएंगे चलो अभी उछल उछल के जाना पड़ेगा ऐसे देखो ये आ गए हमारे साकी भैया मौसम दम ट्रिप खत्म हो गया होने को नहीं हो गया नहीं अभी अपन जा रहा ना बस गाड़ी अपना गाड़ी में नहीं बस में आया ना चल रहा है।